फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल हैप्पी फेस कीपिंग डॉग केयर। आज का टॉपिक हाउ टू केयर योर पैरेट फिशेस इन एक्वेरियम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जैसे कि किस ईयर में आई है, किससे हाइब्रिड की गई है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेट फिश आपकी 1986 में उसकी ब्रीडिंग की गई थी। दो टाइप की फिशेज से उसकी ब्रीडिंग की गई थी, एक मिडास सिकलेट्स और एक रेड हेड सिकलेट्स। दो सिकलेट से ब्रीडिंग करके उसकी ब्रीड निकाली गई थी, जिसको हम आज पैरेट फिश के नाम से जानते हैं। उसको पैरेट फिश क्यों बोला गया था? उसको पैरेट फिश इसीलिए बोला गया था क्योंकि जो उसकी आगे माउथ है वो पैरेट, जो आपका इंडियन नेक पैरेट और पैरेट्स आते हैं उनसे, उनकी जो चोंच है उसी की तरह उसका मुंह बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए हम उसे पैरेट फिश के नाम से जानते हैं। और ये जो पैरेट फिश है ना, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसे दो फिशेज से मैटिंग करके यानी ब्रीडिंग करके एक नई स्पेसीज निकाली गई है जो कि पैरेट फिश है। पैरेट फिश जब अपने घर में लाते हैं तो वो देखेंगे ऑरेंज कलर की, काफी ज्यादा डार्क कलर की होती है ऑरेंज में। बट जब आप अपने घर में रखते हैं तो जैसे जैसे बड़ी होने लगती है वो अपना कलर लूज करने लगती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि आप उसे प्रॉपर टैंक मेट्स, प्रॉपर टैंक सेटअप, प्रॉपर फीड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आती है। तो सबसे पहले टैंक सेटअप के बारे में बात कर लिया जाए। पैरेट फिश का टैंक कम से कम 3 फीट का तो आप रखिए। अगर आप 3 फीट नहीं एफोर्ड कर पाते हैं तो आप 2.5 फीट का तो टैंक लाइए ही लाइए, और उसके बाद लाने के बाद आप उसमें उसको ड्रिफ्ट वुड और केव प्रोवाइड करिए। केव नहीं प्रोवाइड कर सकते तो हाइडिंग स्पेस कुछ भी उस पर आप रॉक रॉक रख के कि वो जाके अपना घर उसमें बना ले, वो आप काम कर सकते हैं। और उसके पास आप ग्रेवल क्या यूज करेंगे? ग्रेवल आप ये आर्टिफिशियल ग्रेवल मत यूज करिएगा, ये मेरा गोल्डफिश का सेटअप है इसीलिए मैं आर्टिफिशियल ग्रेवल यूज किया हूँ। आप ग्रेवल जो शॉप में मिलता है, सुगर सैंड बोलते हैं या फिर मार्बल सैंड आती है, वो सब मत यूज करिएगा क्योंकि वो शार्प होती है। तो वो जो पैरेट फिश होती है उसको डिग करने का बहुत ज्यादा मन रहता है, मतलब वो जाके सरफेस के पास उस सैंड को उठाती है और वापस बाहर थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से अगर आप सुगर सैंड रखेंगे या फिर मार्बल सैंड रखेंगे तो उसके मुंह में उसको चोट लग जाएगी और वो डेथ करने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उससे आपको प्रिवेंट करने के लिए आप सबसे बेस्ट स्टोन उसको दे सकते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन यूज होता है जिसको हम सैंड बोलते हैं, उसमें आप जब उसको उसमें आप मिक्स करके, मतलब जो आप सैंड लाएंगे बिल्डिंग मटेरियल से, तो उसमें आपको एक पतली सैंड मिलेगी और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े वो सारे मिक्स होते हैं। तो उसको आप घर लाइए, उसको अच्छे से वॉश करिए और अपने एक्वेरियम में डाल दीजिए। विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। आप उसमें अगर वाइट कलर का हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड किए हैं, साइड में ड्रिफ्ट वुड प्रोवाइड किए हैं, तो वो सेटअप बहुत अच्छा होगा और आपकी फिशेज ज्यादा से ज्यादा साल तक आपके पास रहेगी। अब बात करते हैं अपने पैरेट फिश को टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करें। टेम्परेचर आपके पैरेट फिश को बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए क्योंकि अगर आप टेम्परेचर उसे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसके बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाता है, उससे वो बीमार भी हो सकती है। तो आपको उसके लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको टेम्परेचर गर्मियों में 26 डिग्री सेल्सियस सफिशियंट है और जब विंटर आ जाएगा तो 28 डिग्री सेल्सियस आप सेट कर सकते हैं। उसमें आपकी पैरेट फिश काफी हेल्दी रहेगी और जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगी। थर्ड पॉइंट, उसे क्या फीड करें। फीडिंग इम्पॉर्टेंट। आप अपने पैरेट फिश को 35% प्रोटीन वाला फूड और 15% क्रूड फैट जो होता है, जो फैट वाला फूड होता है, उससे प्लस फीड लाके करेंगे जो पैरेट्स मिलता है वो आप फीड कर सकते हैं। आप उसे इंसेक्ट फीड कर सकते हैं, आप उसे वॉर्म्स दे सकते हैं। वॉर्म्स की वीडियो दी है मैंने, आई बटन पे मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा वॉर्म्स की वीडियो कैसे कल्चर वॉर्म्स कैसे कल्चर करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वॉर्म्स दे सकते हैं, इंसेक्ट्स दे सकते हैं, लार्वा प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो लार्वा जो आता है वो आप उसे दे सकते हैं, वो काफी हेल्दी रहेगी।
आप उसे इतनी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना कलर कभी लूज नहीं करेगी और जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगी। पैरेट फिश का टैंक वेट हमें बहुत सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि पैरेट फिश एक सिकलेट्स वैरायटी की फिश है, तो सिकलेट्स वैरायटी की जो फिशेज होती हैं वो सारी नहीं लगभग अग्रेसिव वैरायटी में आती हैं। तो हमें ऐसा टैंक वेट डिसाइड करना है जो कि पैरेट फिश के साथ लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो टैंक वेट्स क्या क्या हैं, पहले तो लोज फिशेज हो गई। लोज फिशेज आप अपने टैंक वेट में यूज कर सकते हैं, पैरेट फिश के साथ आप लोज फिशेस रख सकते हैं। दूसरी क्या हो गई, बाला शार्क, जो सिल्वर कलर की बॉडी होती है और एनल फिन बैक फिन पे उसको ब्लैक कलर की मार्किंग होती है, वो जैसे जैसे बड़ी होती है उसकी ब्लैक मार्किंग बढ़ती जाती है। आप उसके बाद कौन सी फिशेस और रख सकते हैं, आप उसके साथ सिल्वर डॉलर रख सकते हैं। सिल्वर डॉलर क्वाइन शेप में आती है और उसकी कई वराइटीज होती है सिल्वर डॉलर की, आपको जो पसंद हो आप उसमें रख सकते हैं। उसके बाद आपको हनी गौरामी, लीली गौरामी, कोई भी वैरायटी आप इन सब में से अपने पैरेट फिश के साथ रख सकते हैं। और कुछ वैरायटीज और हैं जो कि रेड ज्वेल है और फायर माउथ है। फायर माउथ उसके फेस के पास रेड कलर का स्पॉट टाइप का रहता है, इसी वजह से हम लोग उसको फायर माउथ बोलते हैं। रेड ज्वेल आपकी रेड कलर की होती है, उस पर पॉइंट टाइप का सिल्वर सिल्वर होता है, उसको हम रेड ज्वेल बोलते हैं। रेड ज्वेल के साथ आपको अपने टैंक को सफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए, आप उसके साथ क्रोकोडाइल फिश रख सकते हैं। क्रोकोडाइल फिश देखिए, यहाँ जो पैरेट फिश होती है उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर होता है। उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर इसीलिए होता है क्योंकि वो हैंडमेड फीड है, हाइब्रिड फिश है, तो उसका लाइफ स्पैन कम होता है। पैरेट फिश आपकी 8 इंचेस तक जा सकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरेट फिश। तो सबसे पहले पैरेट फिश की बहुत वैरायटीज हैं, करीब 80 वैरायटीज हैं पैरेट फिश की, तो उसको पूरा तो बताना पॉसिबल है नहीं। तो हम कुछ पॉपुलर पैरेट फिश के बारे में बता देते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। हम्प हेड पैरेट फिश जो कि मरीन फिश की पैरेट फिश है, जिसकी साइज 51 इंचेस तक बड़ी हो जाती है, 51 इंचेस तक वो साइज में बड़ी हो जाती है। ब्लू पैरेट फिश और जैसे ऑरेंज कलर की पैरेट फिश होती है उसी तरह होती है सेम, बट वो ब्लू कलर की होती है, जो कि उसका प्राइस 700 to 1000 तक आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। जैसे उस फिश की डिमांड चल रही होगी वैसे ही उसकी प्राइस होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं रेनबो पैरेट फिश। रेनबो पैरेट फिश भी आपकी समुद्री पैरेट फिश होती है, वो आपको मरीन फिश में ही मिलेगी, सॉरी वो मरीन में ही मिलेगी, आप उसे घर में नहीं रख सकते क्योंकि उसकी साइज काफी बड़ी हो जाती है। फिर आती है येलो पैरेट फिश भी ब्लू पैरेट की पैरेट फिश की तरह उसी तरह होती है, आप उसे भी अपने एक्वेरियम में आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, मैंने लगभग सारा चीजें कवर कर दिया है पैरेट फिश के बारे में, तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।